दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि डेली यहाँ पर 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे आपका ये मॉडल पेपर होता है। और अब आपको 11 बजे भी मॉडल पेपर देते हैं, है ना, सुबह 11 बजे और 3 बजे भी मॉडल पेपर होता है। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं UPSC पेट एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चछु प्रकाशन की बुक है। जो कि आप जानते हैं चछु प्रकाशन का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेड एग्जाम के लिए गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मार्केट में लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेड एग्जाम की संपूर्ण गाइड है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका है बहुत ही बेहतर तरीके से। और साथ में इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के बाद उसके क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें से आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो भी यहां पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग मार्केट में दोस्तों इस प्रकार के कह सकते हैं बैनर के माध्यम से, मतलब इस प्रकार का बैनर आपको होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे, यहां पर मंगा सकते हैं। यहां पर देखिए पेट का जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, या तो लिंक के माध्यम से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं। ये आपका है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी गाइड है। तो गाइड में खासियत तो यही है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको है डिस्क्राइब के साथ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट, क्या पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी गया है। और इसके बाद क्या होगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग जो पढ़ेंगे उसे अच्छे अच्छे रिविजन आपका होता जाएगा। मॉडल पेपर की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे आपके पेपर से ही निकाले गए हों, बिल्कुल पेपर में छपे हुए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं सेम टू सेम, है ना। यहां पर दोस्तों खास बात यह है कि यहां पर जो मॉडल पेपर होता है उसके बाद डिस्क्राइब, है ना, क्योंकि समस्या होती है कि हम मॉडल पेपर तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन उसके साथ अगर डिस्क्राइब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहां पर देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्क्राइब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चछु प्रकाशन की इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और काफी अच्छा क्वेश्चन और आज का जो टेस्ट होने वाला है बहुत ही लाजवाब टेस्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जी हाँ, हम सभी बुकें सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन सामने दिया गया है, कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि एक स्थित है। वन का ऑप्शन देना है। कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष जो कि कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, ये कहां पर स्थित है। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ये आपके मथुरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मथुरा में भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास से खोद कर निकाला गया था, है ना। और कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर भी स्थित है, और इस टीले का जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था 1891 में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, यह आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई जगह पढ़ाया भी है, देख सकते हैं कि ये प्रणाली जो आकी है कौन सी भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो टू नंबर में देखो, जमींदारी है, महलवाड़ी भी है, रैयतवाड़ी, लेकिन दस्तक प्रणाली नहीं है। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी का जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। चलिए चलिए, तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, ये रामभर स्तूप, क्या हो जाएगा कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है आपके, रामभर स्तूप, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, तो कौन से ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया, यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए 4 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर में, चलिए 4 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर बन जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैं विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर में जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, 5 नंबर में जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा 5 नंबर में, तो 5 की अगर बात करें तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और वहीं पर आपकी विश्व हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है, तो
तो लाइक की संख्या भी जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, नए हो या पुराने हो, अभी जुड़े हो या पहले जुड़े हो, तो आप लोग भाई देख लीजिए वीडियो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक सर सभी लोग करते रहेगा। इतनी मेहनत आप लोगों की जाती है, इतने मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, तो समझिए आप लोगों के लिए पैसे की कितनी बचत होती है। आप लोग इतने पैसे बचते हैं, इतने पैसे बचते हैं कि समझो कि हम आपको 10 दिन के अंदर 10 दिन में 30 मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, और आप समझिए 250 रुपया आपके हर एक वीक में बच जाते हैं। हर एक वीक में 250 रुपया बच जाते हैं, हर एक वीक में आपको मॉडल पेपर लाना पड़ेगा और उसे आप लोग सॉल्व करोगे मार्केट से लेकर, ठीक है ना। तो समझिए कि आपको हर वीक में 250 रुपया बचते हैं, तो इसके लिए लाइक शेयर तो आपका बनता ही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, यहाँ पर 6 जवाब दीजिएगा। देखिए 6 नंबर में आपका दिया है आगरा, कानपुर, झांसी और लखनऊ। तो ये देखिए आगरा जिसका ऑप्शन है यहाँ पर है ना, सी नंबर सॉरी ए नंबर है, जो आगरा है तो ये आपका मुख्य केंद्र नहीं रहा था। मुख्य केंद्र में आपका जैसे आपका मेरठ है ना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, जगदीशपुर, ये प्रमुख रूप से आपके रहे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये बताइएगा कौन था जिसने ये पढ़कर सुनाया था ये पत्र, बहुत बार आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड कैनिंग जिसका भी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए, 8 नंबर में क्या बन सकता है। चलिए काल क्रम यहाँ पर पूछा गया, क्या ब्रिटिश के द्वारा इसमें सम्मेलन जो आपके हैं, मतलब यहाँ पर विलय का सही क्रम इनमें से क्या हो जाएगा, कौन से राज्य को सबसे पहले विलय किया गया था। तो आपको तो ये पता ही होगा कि सबसे पहले जो किया गया था वो सतारा को किया गया था, सतारा को, ठीक है। तो ये पॉइंट तो याद रखिएगा, ये 1848 में सतारा को सबसे पहले विलय किया गया था। फिर इसके बाद झांसी को किया गया था 1853 में, कब किया गया था, 1853 में किया गया था। संबलपुर की अगर बात किया जाए, संबलपुर को, तो संबलपुर को किया गया था, आपके जो संबलपुर पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और जैतपुर, ये आपका उड़ीसा जैतपुर 1800, ये भी 48 में था, ठीक है, 1848 में ये भी था, लेकिन सबसे पहले आपका सतारा था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर 3, 2, 1, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बारदोली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह सॉरी 1928 बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया या किसने किया था। 9 का ऑप्शन दीजिएगा, सभी का जवाब सही हो जाएगा। भाई सभी लोग कमेंट करिए, ऐसे मजा नहीं आता भाई, कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है कुछ ही लोग जवाब पाएंगे। कुछ ही लोगों को नौकरी करना है क्या भाई, कुछ लोगों को रोटी वोटी बनाना है क्या, कुछ लोगों को क्या करना है, सब लोगों को कमेंट आना चाहिए, अच्छा लगता है तभी। बस 2-4 लोगों के कमेंट आते रहते हैं, वही बार बार जवाब देते रहते हैं, कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं, देखा करते हैं। अरे सभी लोग किया करिए कमेंट, तो अच्छा लगता है। चलिए देखिए 9 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर लगभग सभी का सही है। याद रखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में यहाँ पर बल्लभ भाई पटेल जो कि ऑप्शन है सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, बल्लभ भाई पटेल इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था उनमें से कौन है, तो लाला लाजपत राय थे दोस्तों, याद रखिए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा डी नंबर, स्थापना पूछे तो आपको बताना 31 अक्टूबर और कब, तो आपके 1920 की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो आपके बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यहाँ पर 11 नंबर में देखिए, यहाँ पर जो आपका अंगारा अर्थात ये कह सकते हैं कि पहले ये भाग था, यहाँ पर ये वाला जो भाग आपका है ना, ये गोंडवाना लैंड है, इसका ऊपरी वाला भाग उड़कर या कह सकते हैं उठकर जो चला गया, बहकर चला गया, टूटकर चला गया, ये आपका है कौन सा। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है, गोंडवाना लैंड, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, गोंडवाना भूमि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तरी भाग आपका अंगारा लैंड हो गया, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड हो गया, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये दक्षिणी ओर स्थित है, तो यहाँ पर बताइए 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपकी स्थित है कहां पर स्थित है, तो महानदी डेल्टा नदी, क्या हो जाएगा, महानदी डेल्टा, ये कह सकते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, झील महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर में स्थित है, तो याद रखिए आपका जवाब डी हो जाएगा। अगला दिया गया, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने हैं।
चलिए बताइएगा कि जो आपका जो हिमाद्री है ना, उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई जो आपसे पूछा है कितना हो जाएगा। औसत ऊंचाई जो आपकी 13 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर याद रखिए 6000 मीटर। 6000 मीटर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। 6000 के ऊपर भी वनस्पतियां नहीं उगती हैं क्योंकि वहां पर बर्फ वगैरह ज्यादा होती है, तो भी वनस्पतियां वगैरह नहीं उगती हैं। अगला दिया गया है, अपतानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। बहुत क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी हमने इस मॉडल के पेपर को पढ़ा चुके हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको इतने मॉडल पेपर आपने सोल्व कर लिया है कि ऐसा लगता है कि इस मॉडल पेपर को हमने पढ़ा लिया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं लगता है कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो हमें तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या हमने पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगभग कॉमन मिल जाते हैं। देखिए दिया है, अपतानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी है 14 नंबर में। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात ये पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातियों में अरुणाचल प्रदेश के आपके हैं, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप में कितने देश हैं, यूरोप में कितने देश हैं, यहां पर जवाब देना है यूरोप में कितने देश हो जाएंगे। चलिए यूरोप में जो देश हैं आपके कितने हैं बताइए भाई। चलिए 44, देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है 44, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 44 इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। चलिए भाई खाद्यान्नों का जो MSP होता है ये कौन घोषित करता है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन लॉक करिए भाई जल्दी से। 16 का ऑप्शन भी यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। देखिए आपका कृषि लागत और मूल आयोग, जिसका भी ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा, कृषि लागत मूल आयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, दोस्तों बताइएगा कि ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए देखिए आपका 17 नंबर में जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर संघाई। क्या हो जाएगा, संघाई, मतलब अब देखा जाए तो आपका यहाँ पर संघाई इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। और इसके सदस्य में कौन है, तो आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। भूरी क्रांति जो आपकी है ये बताइए किस पर फोकस करती है भूरी क्रांति। 18 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सी हो जाएगा, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, 19 नंबर बताइएगा। और 19 की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर बनेगा, उत्तर प्रदेश आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। 20 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 20 का जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर 20 नंबर में क्या हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन है आपका 14 जनवरी 1965 को इसका गठन किया गया था, है ना। और इसका पहला जिला कार्यालय जो था तंजौर था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वो चेन्नई में, तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है कई समय में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत है, ग्राम समिति है, जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद इसमें से नहीं है। ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत होती है और खंड स्तर के लिए पंचायत समिति होती है और जिला स्तर के लिए जिला परिषद होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, 22 नंबर आपको देना है। तो कह रहा है यह लिखित संविधान है, ये तो आपका सही है, या अनुनेय है अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही दिया है, या एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है और ये संघीय, ये भी कहीं ना कहीं सही है। फिर दिया गया इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, ऐसा गलत दिया गया है, डे नंबर गलत दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो यहाँ पर बताइएगा भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान क्या औद्योगिक क्रांति का है, क्या नहीं है ना, औद्योगिक क्रांति का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन सा, आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो गैर हिंसा कर व्यवस्था सही है, विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग सही है, मशीनरीकृत से बड़े नफरत थी उनको, है ना। इन्होंने कहा कि मशीनीकृत नहीं चाहिए, हमें चाहिए हथकरघा उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग चाहिए, इस कारण सी आपका गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम बताना है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम बताना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो शेर शाह सूरी का जवाब क्या बनेगा, चलिए बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा, फरीद। क्या बोलते थे भाई, फरीद कहते थे, याद रखिए उसने ही रुपए की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर सी, इनका मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा आपका कहाँ पर है, मकबरा है आपके सासाराम बिहार में है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे।
दसवें या आखिरी जो सिख गुरु थे इनमें से कौन थे? 26 अमर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी स्पीड आप सभी की आ रही है और ऐसी स्पीड में आपको बताना है। देखिए 26 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है बिल्कुल सही है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्नलिखित में से हैं। गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल दिया गया है जिसमें से कोई भी सतह आपस में संपर्क ना करे, ऐसे बल का बताना है 27 नंबर में क्या हो सकता है। कह रहा है गुरुत्वीय बल और पेशी बल, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वीय बल, और पेशी बल और घर्षण बल। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं घर्षण में तो आपकी दो सतह होती होती हैं, घर्षण यहाँ पर दिया इसका मतलब ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पेशी बल यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखिए बी नंबर। कह रहा है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, चुंबकीय बल में सतह की आवश्यकता नहीं होती है, दो चुंबक रख दीजिए, आप देखो कोई भी चीज होती है लोहे की उड़कर दूसरी तरफ भाग जाएगी या उनमें से कोई चपक कर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर, जो गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल में यहाँ पर घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन जो आपका होगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली चार धातुएं बताना है। इलेक्ट्रो फ्लोटिंग के तहत शामिल होने वाली चार धातुएं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका होता है क्रोमियम, ठीक है, क्या होता है क्रोमियम, फिर जिंक, फिर सोना, फिर कॉपर। यहाँ पर 28 नंबर में जो ऑप्शन दिया है डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर लेपित धातु के संरक्षण से बचाव करने के लिए और उनको आकर्षण दिखाने के लिए जिंक का प्रयोग सामान्य रूप से आपका धातुओं में होता है, जैसे लोहे को संरक्षित करना है ना, क्रोमियम को बचाना है, सोना को बचाना है, कॉपर को बचाना है, इसके लिए यहाँ पर जिंक का यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की क्या सही भूमिका थी। ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है कि मुगल शासन के दौरान जो कोतवाल हुआ करता था इसकी सही भूमिका क्या थी 29 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन डी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानून व्यवस्था हो जाएगा, कानून व्यवस्था। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है कि विलयन जिसमें कणों का आकार 1 mm और 100 nm के बीच होता है वो क्या कहलाते हैं। ऐसे विलयन बताना है जिनके कणों का आकार 1 mm है ना, 1 nm और आपका 100 nm है, वे जो आपके कण होते हैं इन्हें कहते क्या है। ऐसे कणों को कहते हैं कलिक, अर्थात कोलाइड कण बोलते हैं, कोलाइड, ठीक है, कोलाइड कण कहते हैं और काफी छोटे कण होते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी, 31 नंबर लॉक करिए जल्दी से। 31 नंबर का ऑप्शन भी हो जाए आपके हर्षवर्धन के द्वारा, किसके द्वारा, हर्षवर्धन, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है। चलिए अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के जो लेखक है वो आपके कौन है। यहाँ पर 32 नंबर में इनका नाम है, याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा सौरभ दुग्गल। कौन है, सौरभ दुग्गल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिमालय प्रदेश में एक बड़ा पर्यटन आकर्षण स्थल है, बताइए यहाँ पर हिमालय प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण या बड़ा पर्यटन आकर्षण स्थल है कौन सा है। ये रोहतांग दर्रा, देखिए रोहतांग दर्रा ये हिमालय अर्थात भारत में स्थित है और प्रमुख दर्रों में आपका है और यह मनाली को ले से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा इसका पुराना, इस दर्रे का पुराना नाम क्या था, भृंग तुंग, क्या था, रोहतांग दर्रे का पुराना नाम था भृंग, भृंग, भृंग और तुंग, ठीक है, डैश करके भृंग तुंग, इसका पुराना नाम हुआ करता था भृंग तुंग, ठीक है ना। ये रोहतांग दर्रा है जिसका अब नया नाम कर दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, बताइए बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है, तंजौर में है, तमिलनाडु में, यहां पर देखिए तमिलनाडु में है, तमिलनाडु कहां पर है आपके बी नंबर हो जाएगा, ठीक है बी हो गया। फिर दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है तो इसका आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर डी हो गया। इसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। हम्पी में स्मारक कहाँ पर है, तो भाई कर्नाटक में है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा बी और इसके बाद ये डी है, क्या है, बी डी ए सी, बी डी ए सी, देखिए ऑप्शन सी आपको दिया गया है, हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य की स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर स्थानीय शिल्पकार आपका मेला है जिसमें लोक नृत्य है, संगीत है, भोजन है, संस्कृति है, ये सब प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ पर 35 नंबर में जो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये पौष मेला है जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में शांति निकेतन में फसल के मौसम में लगाया जाता है और यह एक वार्षिक मेला है। यह मेला 3 दिवसीय मेला होता है, ठीक है,
और यह पौष माह के सातवें दिन से शुरू होता है। आगे बढ़िएगा, यह मेक्सिको की मुद्रा क्या है? मेक्सिको की मुद्रा पूछा गया है 36 नंबर में। तो 36 की अगर बात करें तो मेक्सिको की है आपकी पेसो, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर अगला बताएगा इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, इंडोनेशिया की राजधानी यहां पर बताना है, लेकिन आपको अपडेट वाली बताना है, ये लोकल वाली नहीं बताना है। चलिए बताइए भाई, इंडोनेशिया की आपको ओरिजिनल राजधानी बताना है, इनमें से ओरिजिनल राजधानी नहीं लिखी है, लोकल राजधानी लिखी है। अब आपको बताना है जो अपडेट हो चुकी है इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी। चलिए यहां पर देखो, जो जकार्ता है वो आपका लोकल हो चुकी है, ओरिजिनल हो गई है कौन सी, ओरिजिनल हो गई है नूर संतारा, हमने बताया था नूर संतारा। अब देखो जो भी आपकी अभी हाल ही की किताबें होंगी उनमें आपको अपडेट मिलेगा, लेकिन जो अभी आपकी जनवरी फरवरी के पहले की हैं तो उसमें अपडेट थोड़ा देगा। तो यहाँ पर याद रखिए अपडेट है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नूर संतारा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, लखनऊ घराना है, ये कथक घराना नृत्य के लिए सबसे पहलू या सबसे ज्यादा ध्यान देता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे लंबी है, यहाँ पर देखिए 39 नंबर में अमेजन, आमूर, कांगो या लीरा, इन नदियों में से कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है 39 नंबर में। तो याद रखिएगा आपका जवाब हो जाएगा अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी है, और यहाँ पर जो आपका है आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो आपकी आमूर नदी है ना, आमूर नदी ये रूस और चीन की सीमा बनाती है, आमूर नदी है ये रूस और चीन की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। कांगो नदी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि अफ्रीका की प्रमुख नदी है और विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। और लीना की अगर बात करें, लीना तो ये रूस की प्रमुख नदी है जो कि बैकाल झील से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है, ठीक है, ये रूस से निकलती है आर्कटिक महासागर में गिरती है। अगला बताइएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही दिया गया है, तो अच्छा सही नहीं दिया गया, सही नहीं दिया है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ अच्छा ऐसे दिया गया है, देखो ऐसे दिया है ना। तो बर्लिन की अगर बात करें, बर्लिन की राजधानी स्प्री है ना, जो कि जर्मनी अर्थात स्प्री तो आपका है नहीं है, पहला गलत दिया गया है। लंदन आपका देखिए टेम्स हो जाएगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, वियना जो आपका है आपका हो जाएगा डेन्यूब अर्थात एस्ट्री, अर्थात ये नदियों किनारे अर्थात नगर दिया गया है, और आपका नदी दिया है कौन सा नगर किस नदी किनारे, देखिए लंदन आपके टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब, लेकिन बर्लिन जो बसा है वो आपके स्प्री नदी किनारे, क्या स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन दिया है, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है तो थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाइएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, तो देखिए 41 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, ठीक है ना, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ये 1945 में न्यूयॉर्क में यहाँ पर की गई थी स्थापना, अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और यहां पर देख सकते हैं कि जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हैं ये इसकी क्या हुई अध्यक्ष के रूप में चयनित भी की गई थी, जो कि पहले आपकी भारतीय महिला थी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में पहले कवि के रूप में किसे सिद्धे माना जाता है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है 42 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपके वाल्मीकि को, किसे वाल्मीकि जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था, 43 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखिए बेंगलुरु में, कहाँ पर बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, कर्नाटक बेंगलुरु। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है को वृषभ कामाचक्र और अशयुक्त सारनाथ सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है इसको भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, बताइएगा कि कब अंगीकृत किया गया था, बताइए। और भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शन लिखिए और जवाब दीजिए 44 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 26 जनवरी, याद रखिए 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला को बताइएगा, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ITBP का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा ITBP का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका जवाब 45 नंबर में क्या हो जाएगा ए नंबर, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 1962 को सीमा पर स्थापित किया गया था,
और इसे बोलते हैं इंडो और क्या है तिब्बतन, ठीक है, बॉर्डर पुलिस। पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एनआईसी का पूर्ण रूप होता है। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, एनआईसी का पूर्ण रूप, चलिए यहां पर देखिए 46 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ऑप्शन बनेगा यहां पर ही नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो दोस्तों यहां पर 47 नंबर जो आपका दिया गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका 47 नंबर है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 नंबर में। तो भाई आप लोग सभी लोग जानते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो बोलोगे सीबीआई, है ना, लेकिन और थोड़ा सा जाइए यहां पर देखो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण रा, है ना, मतलब राखी भी यहां पर खोज करती है, सेना हो या नौसेना हो या हवाई आसूचना हो, इन सभी निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी विश्लेषण करने के उद्देश्य से यहां पर आयुक्त आसूचना समिति जे आई सी इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा JIC, क्योंकि ये ऑलरेडी राका भी क्या करती है, उसकी भी जानकारी रखती है, सेना में है तो सेना की जानकारी रखती है, नौसेना है तो उसकी भी जानकारी रखती है, हवाई जहाज से रिलेटेड उसकी भी जानकारी रखती है, ये सब की जानकारी रखती है, कौन सी ये वाली होते हैं JIC, यहां पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो आपका गठन किया गया था वो कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए जो कैबिनेट सचिव है इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, और गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और आसूचना संगठनों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स द्वारा जारी की गई पहल कौन सी है, ब्रिक्स द्वारा जारी की गई पहल पूछा गया है। तो यहां पर देखिए जो आपका दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की गई ये पहल है, और ब्रिक्स में अभी बताया था कि कितने देश हैं वो आप सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं 49 नंबर में, जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को। तो फिर ये बता डालिए कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बताइए जल्दी से 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं। चलिए 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये बताइए, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वेरी गुड, पृथ्वी दिवस हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 50 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपके 1996 में, कब 1996 में स्थापित किया गया था, नेशनल फाउंडेशन फॉर सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा की गई थी। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया है वादी और बादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, यहां पर दिया है वादी और बादी दिया गया है। चलिए 76 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 नंबर को ऑप्शन दीजिएगा आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा 76 नंबर। चलिए तो देखिए यहां पर 76 की अगर बात किया जाए तो वादी मतलब कह सकते हैं, वादी मतलब कह सकते हैं वक्ता को, ठीक है, वक्ता को, और बादी मतलब होता है गरिष्ठ भोजन, यहां पर गरिष्ठ का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, ठीक है, गरिष्ठ मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो बहुत कठिनता या देर से पचता है या बहुत देर में पचता है उसे बोलते हैं गरिष्ठ, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दीपक बुझ जाना मुहरे का अर्थ क्या होता है, दीपक बुझ जाना 77 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर वंश का नाश हो जाना मतलब ऑप्शन हो जाएगा पी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताइए, यहां पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा 78 नंबर में, 78 की अगर बात किया जाए तो देखिए कह रहा है शुद्ध आपका कौन सा है, इच्छा तो गलत दिया गया है, श्रृंगार भी गलत दिया गया है, आवाहन भी गलत दिया है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर बनेगा क्या भाई, प्रत्युष आपका सही होगा, सही नंबर कैसे कर रहे हो भाई, सी नंबर श्रृंगार ऐसे लिखते हैं क्या, हमने बताया था जब श्रृंगार की अगर बात किया जाए शुद्ध की तो आपको ऐसे लिखना है, ये जो आपके बीच में डंडी दी गई है ना, ये वाली काली वाली जो ऐसे और निकाल देते हैं, कौन सी काली, ये वाली काली, ऐसे ही जो आपकी डंडी होती है नहीं लगाई जाती है, ये डंडी जो होती है नहीं लगाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये जो है नहीं लगाई जाती है तब शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़िए, कुछ आपसे दिया गया है वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण दवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है, और यदि सभी सही है तो कोई बात नहीं, उत्तर को चुन लीजिएगा डी वाला। कह रहा है यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी,
यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है, त्रुटि बताइए 79 में क्या गड़बड़ी है। तो 79 में गड़बड़ी जो आपकी है वो है क्या, देखिएगा। तो असंदिग्ध जो दिया गया है पूर्ण शुद्ध अनचित है, अर्थात यहां पर जो असंदिग्ध दिया है ये गड़बड़ दिया गया है। यहां पर कट सत्य बोल दीजिए या अटल कर दीजिए या निश्चित कर दीजिएगा कि पर्यावरण से अगर मित्रता रखनी है तो ये सत्य बात है, मतलब ये जो आपका शब्द दिया है वो आपका इष्ट्रा दे दिया है। अगर आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये आपकी कविता किसने लिखा है, यहां पर लॉक करिए 80 नंबर में। तो जवाब यहाँ पर लगभग सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन आ गया है बी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह कविता वीर रस क्या है, प्रधान है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है, बताइए भाई भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। तो यहाँ पर पल्ली गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर गांव में है ना, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है कौन, जामताड़ा जो कि आपके झारखंड में है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है, देखो यहाँ पर दिया हर गाँव में दिया है, हर गाँव में दिया है तो जामताड़ा है। और हर पंचायत में पूछ ले तो हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला जिला है पूर्णिया जो कि बिहार है। अगला दिया गया है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में, तो आपके असम में हो जाएगा। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिए, पहले भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप है गांधीनगर में। अगला है कि भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो चुके हैं, ये फारसी भाषा का है आपका मिरात उल अखबार, इसके 200 साल पूरे हो चुके हैं। अगला है कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों याद रखिए, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल हो जाएगा। अगला है अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अरे आप लोग बहुत महान हो, आप सभी के आंसर बहुत पहले आ रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल लल्लन टॉप वाले हो सभी। देखिए, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट है और ये आपके गुजरात में खोला गया है। अगला दिया है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहां पर स्थापित की जा रही है। चलिए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा। ये भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण करेगा कौन, कोचीन शिपयार्ड, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अगला है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये खादी के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है और आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला ये उत्तराखंड हो जाएगा। अगला दिया है, भारत का पहला शहद गाँव कहाँ पर है, मतलब ये भारत का पहला शहद गांव कहां पर बन गया है। ये माघर गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ये भारत का पहला शहद गांव बना है। अगला दिया गया है कि भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खुल रहा है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खुल रहा है, तो आपके दिल्ली यहां पर हो जाएगा दिल्ली। अगला दिया गया है कि $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो याद रखिए, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली यह पहली भारतीय कंपनी बनी, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगला है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते, ठीक है। ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। अगला है, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। यह भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है और उद्घाटन किया गया पूर्णिया जो कि बिहार में है। अगला दिया गया है कि किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है। तो यह भारत का पहला कैबिनेट है ना, भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है महाराष्ट्र ने। टैप इन
टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है? मुंबई में आपकी लॉन्च की गई है। अगला है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना या शुरुआत किस राज्य में की गई है? याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत है आपकी असम राज्य में। और अगला पॉइंट अब आपका आ गया है क्या, अब आपको ध्यान मुद्रा में सुनने वाला आपको समय आ गया है। अब आपको मेहनत नहीं करना है, टाइपिंग नहीं करना है, बस आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो चीज़ अब आपको पढ़ा रहे हैं वो डेली मॉडल पेपर मिलता है। हमारे मॉडल पेपर में यही खासियत है कि आपको लास्ट में क्या होता है, आराम करने को मिलता है और आराम से यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, हम लोग यहाँ पर भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोग यहाँ पर क्या होगा, विश्व में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था शेरपा तेंजिंग, जो कि भारत से थे, और सर एमंडसन हेलेरी, जो कि आपके न्यूजीलैंड से थे। ठीक है ना। अगला देखो, दिया गया है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे आपके डेनिस टीटो। कौन है? डेनिस टीटो हो जाएगा। अगला है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पेरी, जो कि आपके अमेरिका के थे। ठीक है, रॉबर्ट पेरी जो आपके अमेरिका के थे। अगला दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके रोआल्ड एमंडसन, जो कि आपके क्या है, यहाँ पर नॉर्वे से थे, एमंडसन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राइट बंधु। कौन? राइट बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति में से कौन था? बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन क्लास में पढ़ने से फायदा यह होता है कि 10-5 मिनट में रिविजन हो जाता है, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि पीडीएफ आप पढ़ें या ना पढ़ें, है ना, क्लास में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपी मार्को पोलो, याद रखिए, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपी जो था वो मार्को पोलो था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दोस्तों याद रखिए, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अनेक्जीमेंडर। क्या है? अनेक्जीमेंडर हो जाएगा। अगला, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये है आपका युचिरो म्यूरा, जो कि आपके जापान के है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कह रहा है, दोस्तों ये बताइएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखिए, नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि यूएसए के थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गार्गिन, जो कि आपके रूस से थे। अगला, अंतरिक्ष में तैरने वाला अर्थात चलने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था? तो दोस्तों इनका नाम है एलेक्सी लेनोव, जो कि आपके रूस के थे। अगला दिया गया है, 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यहां पर अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये 7 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं, दोस्तों याद रखिए, इनका नाम है जेरी रॉस हो जाएगा। अगला दिया है, 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो दोस्तों ये नाम है चार्ल्स सिमोनसी। कौन? चार्ल्स सिमोनसी। अगला है कि ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में कौन है? तो एडविन पावेल हवेल हैं, ये विस्तार से ब्रह्मांड की परिकल्पना किया है। अगला है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने और पृथ्वी की चाल के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो निकोलस कॉपरनिकस था, याद रखिए, निकोलस कॉपरनिकस हो जाएगा। और अगला है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला विश्व का प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? इसका नाम है आर्थर एस। क्या नाम है? आर्थर एस हो जाएगा। और अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय इनमें से कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी वस्तु ये सिकंदर है। कौन है? सिकंदर हो जाएगा। और अगला है, चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे। और अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, दोस्तों याद रखिए, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। अगला है कि दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट स्वान। कौन है? रॉबर्ट स्वान हो जाएगा। और अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति, दोस्तों तो प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? दोस्तों तो ये है टॉम हिटकर। क्या है? टॉम हिटकर है। और अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि एक विकलांग व्यक्ति था, लेकिन वो कृत्रिम पैर लगाकर वो देखा जाए तो आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम यहाँ पर व्यक्ति कौन था? बिना ऑक्सीजन के, दोस्तों ये आपके पीटर हेवलर। कौन है? पीटर हेवलर हैं, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला है कि सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये आपका है गेरेमान स्टेनोविच टीटो। ये सबसे
कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला है गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दोस्तों इनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। क्या नाम है? रिचर्ड ब्रांसन हो जाएगा। और अगला है सर्वाधिक, क्या है? अंतरिक्ष यान सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर, तो दोस्तों इनका नाम है फेलिक्स बाम गार्टर, जो कि 39 किलोमीटर ऊंचाई से ये क्या हुए थे, छलांग लगाए थे। अगला है कि अंतरिक्ष दुर्घटना का प्रथम शिकार अंतरिक्ष यात्री कौन थे, इनका नाम है व्लादिमीर कोमारो। ये आपके अंतरिक्ष में अंतरिक्ष दुर्घटना हुई थी उसमें आपके पहले व्यक्ति यही रहे हैं। अगला दिया गया है संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया है, तो ये है बॉब डिलन। ये संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपके रोंटजन को दिया गया था, याद रखिएगा। रसायन विज्ञान में जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जाकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ को दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो सबसे पहले दिया गया था आपके बेहरीन, या आप कह सकते हैं कि एमिल एडोल्फ वान बेहरीन को दिया गया था। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो आपका था, ये दोस्तों याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये रेगनर फ्रिस एंड जन टिनवर्जन को दिया गया था। यहाँ पर देखिए विश्व में प्रथम महिला की अगर बात करते हैं, कह रहा है किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पर किसी देश की महिला राष्ट्रपति एक मॉडल पेपर मिला था तो आप सभी लोग भंडार नायके लगा रहे थे। अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जब आपसे राष्ट्रपति पूछे तो आपको बताना है कि मैरिया एस्टेला जो कि अर्जेंटीना की हैं, ये सबसे पहले विश्व की क्या प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। अगला है किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आप कहेंगे तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री कौन है, तो आपके एम भंडारनायके जो कि आपके श्रीलंका के थे। अगला है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, दोस्तों किसी मुस्लिम देश की ये बेनजीर भुट्टो जो कि आपके पाकिस्तान से हो जाएंगे। अगला दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम सभापति कौन थी, तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला ये विश्व की थी, दोस्तों याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित, ये विश्व की ऐसी महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला सभापति बनी थी। अगला इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनका नाम है थैचर, क्या है? थैचर हो जाएगा, मार्गरेट थैचर। अगला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, बताएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन है, तो ये है आपकी कैरोलिन, क्या नाम है? कैरोलिन मिकेलसन, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। यहां पर दिया गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है, बताएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपकी जंको तोबेई, जो कि आपकी जापान की दोस्तों, इनके यहाँ पर डेथ हो चुकी है ना, अभी दुनिया में नहीं है। अगला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला दोस्तों ये आपकी कौन है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि आपके रूस की हैं। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला डॉक्टर, देखिए विश्व में प्रथम महिला डॉक्टर ये हैं एलिजाबेथ ब्लैक वेल, जो कि आपके अमेरिका से हैं। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके एस भंडारनायके, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, तो दोस्तों याद रखिए प्रथम महिला है मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला ये है सिरले मेटज हो जाएगा। कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी आपकी किम कैंपबेल, क्या? किम कैंपबेल हो जाएगा। तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी थी तांसू सिलर, क्या है? तांसू सिलर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पर करने वाली ये प्रथम महिला थी आपकी, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर गैरड्यूट एडली हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, लाइक।